अपनी मम्मी पापा के ऊपर थोड़े से पैसे खर्च कर रहे हो तो करो यार, जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। ये मस्त यू ही वजह कराएगी तुझ पर। क्यों और क्या, ये मजबूत चप्पल है जिन... देखो अब ये खड़े हैं बिस्किट के लिए, आओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, लो जल्दी आओ। अब ये खा रहे हैं सब चारों के चारों, जल्दी जल्दी खाओ, खा लो। गाइस मैंने इन्हें पार्ले जी बिस्किट दिया, ये मुझे पता है अच्छा नहीं होता बट लेकिन अभी मेरे पास जो भी इनके बिस्किट होते हैं ना वो ख़त्म हो रहे हैं तो ये खाए बिना मानेंगे नहीं, तो बस दो ही बिस्किट दिए हैं आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं दिए, मुझे पता है ये इनके लिए अच्छे नहीं होते, स्किन के लिए ख़राब होते हैं, बस बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने पूजा कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ मंदिर, मंदिर से आकर फिर मैं मम्मी जो कल मॉल से सामान लेके आई थी अपने लिए वो सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हम कल क्या क्या लेके आए। तो गाइस मैं आ गया हूँ मंदिर से, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैं मम्मी को कल शॉपिंग करा कर लेकर आया हूँ। कभी कभी अपनी मम्मी पापा को भी शॉपिंग कराया करो जैसे कि मैं करा के लेकर आया हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपके माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं, तो एक दिन उनके लिए ज़रूर निकाला करो, चाहे हफ्ते में निकालो या महीने में निकालो। अब ये मत सोचो कि हम लोग इतने बड़े हो गए इतना बिजी हो गए हैं, तो मैं अपनी मम्मी के लिए कल शॉपिंग करा कर लेकर आया हूँ, जो जो शॉपिंग हम करके आए हैं तो मम्मी ने बोला था हम कल उसको रिवील करेंगे, मतलब मैंने बोला था, तो आज के ब्लॉग में मैं मम्मी की जो शॉपिंग करा कर लेकर आया हूँ वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। बस मम्मी नहाने वाली है, नहा कर मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, मम्मी की मनपसंद की चीज़ें लाया हूँ और उनको बताया नहीं था मैं मॉल में, मतलब और उनको मैंने बताया नहीं था मम्मी कि इतनी महंगी शॉपिंग होगी, तो मम्मी फर्स्ट टाइम मेरे तरफ से, तो फर्स्ट टाइम है मम्मी का मॉल से शॉपिंग करके आना, तो नेक्स्ट टाइम इससे भी महंगी होगी और आप सबका प्यार रहेगा तो ऐसे ही ऐसे करते करते मैं मम्मी को बहुत सारी शॉपिंग कराऊंगा और आप सबका सपोर्ट रहेगा। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको हम क्या खरीद कर लेकर आए हैं। तो गाइस मम्मी आ गई हैं, अब मम्मी दिखाएंगे एक एक चीज क्या क्या लेके आई थी। मम्मी पहले क्या दिखा रही हो? ये जूते लेके आई, ये तो पापा के हैं, अपने दिखाओ। हाँ, पापा के दिखा ना, पापा के यार मस्त लग रहे हैं मम्मी जूते, तो इन्हें मैं पहन जाऊंगा आज, पहन लिया। कितने लाइट वेट है, ऐसे है जैसे उसके है ना उसके होते हैं स्केचर्स के, उसी के हैं। और दिखाओ क्या क्या लाइयो। मम्मी आज तो बहुत क्यूट लग रही हो आप। मम्मी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ सही है। तो सही है, इसमें क्या दिखा रही हो? ये भी देख लो मम्मी तुम्हारे चप्पल, और देखो मम्मी अपने लिए भी लेके आएंगे ये तो मम्मी आपने पहने थे वहीं पे, मजबूत हैं, अच्छी लग रही हैं। नहीं मेरे पास में नहीं, चलने भी ले चलूं फिर काम आई जाए। मम्मी दिखा ना, ये ना तगड़ी बहुत है, चमड़े की है, मस्त। यूं ही वजह कराएगी तुझ पर। क्यों? मजबूत चप्पल है, जिंगे वजह लगेगी जिंगे पड़ेगी तेरे तो मेरे पे बजाने के लिए लाई हो मम्मी। और क्या, तो जो बजे करेगी जब छप, परेशान करेगा छप जाएगी एक मी। नहीं यार ऐसे इतने प्यारे बेटे को कोई मारते हैं? ये स्टोर लेके आई, ये भी मम्मी ऐसे दो ले आई तुम, एक ये वो वाला कहाँ गया, पिछले वाला एक ये रहा जो वो था वो कहाँ गया, ऐसा एक और लाए थे हम वेनिस से मम्मी, एक ये है, ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा बहुत सुंदर। और एक ये ज्यादा सुंदर है, ये मेरी पसंद का है मम्मी, यही चल रहा है अब, सुंदर लगेगा साड़ी के ऊपर। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये आपके वो पिंक वाले सूट से मैचिंग करके लाई हो ना। हाँ नाइस, ये वाला कुर्ते का बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी, इसके बहुत कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं ये बहुत प्यारा है, सुंदर लग रहा है। हाँ पसंद है ना, ये छींक भी आ गई, मेरी पसंद है वो मेरी पसंद का मम्मी, ये तो पार्टी वियर है, ये तेरी पसंद, ये तो पार्टी वियर है, एल साइज है ये, ये भी बहुत प्यारा है, इसमें ये प्रिंट मुझे लग रहा है वॉश करने पर छूट जाएगा, वॉश करोगी अब, एक ये और ना छूटेगा, कहीं ना छूटता इनका, ऐसे ही रहा है ये भी बहुत प्यारा है गाइस, देखो आप बहुत सुंदर, ये भी बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर, ऐसे लगा के दिखाओ मम्मी,
आपने कभी सोचा भी था इतना प्यारा बेटा मिलेगा तुम्हें कभी? ना मैं ना सोचा। बहुत लक्की हो तुम। और क्या? सही है? सही है, सारी शॉपिंग मम्मी ने दिखा दी अपनी। ये भी अच्छा, देखिए ये तो मैं। मम्मी इसका जो दूसरा कलर लाया था मैं, दूसरा कलर इसका, वो कहाँ है? एक राखी को दे दिया मैंने। अच्छा, दीदी को दे दिया। कह रही मम्मी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तू ले जा। तो उसका वो ब्लू कलर था, बहुत अच्छा लगता वो आपके ऊपर। ऐसा मत दिया करो मम्मी, उसे भी अच्छा लगा, कोई बात ना। ऐसा मत दिया करो, जो तुम्हारे लिए आया इसको खोल के तो दिखाओ, ये भी बहुत प्यारा है। ये भी मम्मी, इसका टैग कहाँ है? तोड़ दिया ना ये रहा। ये वाला है 799 का, ये देखो कितना अच्छा है, सुंदर है ये भी। बहुत प्यारा लग रहा है मम्मी, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, रेड है ना। और ये भी। मम्मी थैंक यू तो बोला ही नहीं आपने मुझे। बोलूंगी, देख तो लूं पहले। ये और भी अच्छा लगा। अच्छा अभी ओढ़ के भी दिखा रही हो? और क्या, ये पार्टी वियर है मम्मी, बहुत सुंदर। वाह मम्मी तो जम गई, मम्मी तो हमारी जम गई भाई। इसमें मम्मी शाइनिंग है देखो, ये जो है ना ये शाइनिंग आ रही है। गाइस आप सबने शॉपिंग देख ली है मम्मी की, मैं इतनी शॉपिंग करा कर लाया हूँ। और तो हम खाने पीने का लाए थे, वो तो मैं क्या ही दिखाऊं, लेकिन ऐसे ही अपने मम्मी पापा को खुश रखो। मम्मी की खुशी देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, और मैं नेक्स्ट टाइम चाहूंगा इससे भी बड़ी बड़ी शॉपिंग कराऊं, मम्मी को अच्छी अच्छी जगह लेके जाऊं। मम्मी का वृंदावन का बहुत मन है, तो मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट मंथ या अब मैं जल्दी से बनाऊं, वृंदावन लेकर जाऊं मम्मी को। ठीक है मम्मी, मम्मी थैंक यू तो बोलो मुझे। किस बात का थैंक यू, पाले ना हो इतने बड़े, पाल पाल के बड़े कर दिए। अरे ये गिफ्ट लाया हूं मैं, इतने सारे शॉपिंग करा के लाया हूं। अच्छा इसलिए थैंक यू बोला है? हाँ है ना, शॉपिंग जो करवाई है। और क्या, चलो थैंक यू। और गाइस आप बहुत ज़्यादा जो कमेंट कर रहे हो ना कि अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा जोड़ो पैसा और खर्च मत करो, ये बात मेरी मम्मी भी बोलती है। पर लेकिन यार आप ये समझो कि अगर अपनी मम्मी पापा को, अपनी मम्मी पापा के ऊपर थोड़े से पैसे खर्च कर रहे हो तो करो यार, जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। लाइक मैं ऐसे नहीं कहता, अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो 5 आप खर्च भी कर सकते हो, 5 आप सेफली रख सकते हो। तो मेरा ऐसा ही है, मैं सारे पैसे नहीं खर्च करता, मैं जोड़ भी रहा हूँ अपने, और मुझे लगता है ना कि कब हमें खर्च करने चाहिए तो मैं तभी खर्च करता हूँ, वैसे मैं अपने पैसे जोड़ रहा हूँ। तो मुझे भी पता है पैसे खर्च करने नहीं चाहिए, और मेहनत की कमाई है तो उसको जोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि कब हमारे काम आ जाए वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मम्मी पापा हर किसी के यही बोलते हैं कि पैसे को ज़्यादा खर्च मत करो, तो मैं तो बस यही करता हूँ, मैं पैसा जोड़ भी रहा हूँ, और थोड़ा बहुत खर्च करने में कुछ नहीं जाता यार। और गाइस मुझे नहीं लगता, अगर हाँ हम अपने मम्मी पापा को थोड़ी सी खुशी इस चीज़ में दे पा रहे हैं तो बिल्कुल हमें देनी चाहिए। फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारा पैसा जुड़ रहा है या खर्च कर रहे हैं हम। मैं तो कह रहा हूँ आप खर्च करो लेकिन साथ साथ जोड़ो भी। तो हाँ मैं जोड़ रहा हूँ, मैं आप सबको बता दूँ मैं इतना खर्च कभी नहीं करता। और हाँ अगर मैं 6 महीने पैसा जोड़ता हूँ तो 1 महीने का पैसा खर्च करना भी बनता है। ऐसा नहीं है कि उस पैसे को जोड़ते रहो यार, माँ बाप हमेशा आपके साथ हैं और उन्होंने आपके लिए बहुत किया है, तो क्यों ना आप भी कुछ उनके लिए करो। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लाइक उन्हें घुमाना, शॉपिंग कराना, ये सब आपके लिए बनता है लाइफ में। इतना कमा कर कहाँ लेकर जाओगे, मैं तो बार बार यही बोलूँगा। तो अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश रखो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, और मैं व्लॉग का करता हूँ यहीं एंड। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।